लिंग निर्धारण। इस वीडियो में हम सीखेंगे संतति में लिंग निर्धारण गुण सूत्र। सवाली, पता है मेरी चाची गर्भवती हैं और उनके यहाँ जल्दी ही एक बच्चे का जन्म होने वाला है। खोजी, देखना वो जरूर लड़की होगी। तुम्हें कैसे पता सवाली? मेरी माँ तो बोल रही थी कि लड़का हो सकता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये पता कैसे चलता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। ये तो मुझे भी नहीं पता। संपर्क दीदी को आने दो, उनसे ही पूछते हैं। अरे क्या चर्चा चल रही है बच्चों, क्या पूछना है आज तुम लोगों को? दीदी, वो मेरी चाची है ना, उनके घर एक बच्चे का जन्म होने वाला है, तो हम बात कर रहे थे कि जन्म से पूर्व ये कैसे पता चलता है कि वो लड़का होगा या लड़की। अच्छा, तो ये जानना है तुम्हें। चलो आज मैं इसी के बारे में बताती हूँ। बच्चों पहले ये बताओ कि अंडाशय में अंडाणु के निर्माण के बाद क्या होता है? दीदी, आपने पिछली कक्षा में बताया था ना कि अंडाशय में अंडाणु के निर्माण के बाद उसका निषेचन होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। हाँ दीदी, और निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। अरे वाह, तुम्हें तो सब याद है। तो बच्चों, जन्म लेने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण निषेचित होने वाले अंडाणु में उपस्थित गुण सूत्रों के आधार पर होता है। इसे लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। गुण सूत्र वो क्या होते हैं दीदी? बच्चों, गुण सूत्र जिन्हें अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स कहते हैं ना, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, जो प्रोटीन से बनी होती हैं। ये गुण सूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। जानते हो, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुण सूत्रों के कुल 23 जोड़े पाए जाते हैं, जिनमें से दो विशेष गुण सूत्र लिंग सूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इन्हें एक्स और वाई नाम दिया गया है। इन्हीं लिंग सूत्रों की उपस्थिति के आधार पर ये पहचान की जाती है कि पैदा होने वाला शिशु लड़की होगी या लड़का। वो कैसे दीदी, विस्तार से बताइए ना। बताती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। स्त्रियों में दो एक्स गुण सूत्र पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई गुण सूत्र पाया जाता है। निषेचन से पूर्व अंडाणु में केवल एक प्रकार का गुण सूत्र यानी एक्स गुण सूत्र ही पाया जाता है, जबकि शुक्राणु दो तरह के होते हैं, जिनमें से एक में एक्स गुण सूत्र तथा दूसरे में वाई गुण सूत्र पाया जाता है। निषेचन की क्रिया के दौरान यदि अंडाणु का एक्स गुण सूत्र वाले शुक्राणु के साथ युग्मन होता है, तो निर्मित होने वाले युग्मनज में दो एक्स गुण सूत्र होंगे, यानी कि वो मादा शिशु के रूप में विकसित होगा। और यदि अंडाणु का युग्मन वाय गुण सूत्र वाले शुक्राणु के साथ होता है, तो युग्मनज में एक्स और वाई दोनों प्रकार के गुण सूत्र होंगे, यानी कि वो नर शिशु के रूप में विकसित होगा। समझे बच्चों? दीदी, तो इसका अर्थ हुआ कि जन्म के पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के गुण सूत्रों के आधार पर होता है। बिल्कुल सही समझी सवाली, और इसीलिए ये अवधारणा पूरी तरह से गलत और अन्याय संगत है कि किसी भी बच्चे के लिंग के लिए
उसकी माँ उत्तरदायी होती है। ओ, अब समझ में आया दीदी कि जन्म से पहले कैसे पता चलता है कि लड़का होने वाला है या लड़की। एक और बात बच्चों, जन्म से पूर्व लिंग का परीक्षण करना कुछ देशों में मान्य है, परंतु भारत में ये एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। समझ गए ना? जी दीदी। तो चलो, जब लिंग निर्धारण के विषय में सारी जानकारी तुम सभी को समझ में आ गई है, तो अब मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ। सोच समझ कर उनका उत्तर देना। पूछिए ना दीदी। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि शिशु के लिंग की पहचान किस आधार पर की जाती है? दीदी, शिशु के लिंग की पहचान लिंग सूत्रों यानी XX या XY गुणसूत्रों की उपस्थिति के आधार पर की जाती है। बिल्कुल सही खोजी। अच्छा बताओ कि पुरुषों में कौन से लिंग सूत्र पाए जाते हैं? पुरुषों में X और Y लिंग सूत्र पाए जाते हैं, है ना दीदी? शाबाश सवाली। बच्चों अब एक अंतिम सवाल, ये बताओ कि शिशु के लिंग के लिए माता या पिता में से कौन उत्तरदायी होता है? दीदी, शिशु के लिंग का निर्धारण पिता से प्राप्त गुण सूत्रों के आधार पर होता है, इसलिए पिता ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।